जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम अब कंप्यूटराइज कर दिया गया है। जी हाँ, सीटेट का एग्जाम अब कंप्यूटर पे देना होगा ऑनलाइन। कोई पेपर वर्क अब ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, बल्कि ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। एक सेंटर बनेगा, उस सेंटर पे जाके आपको कंप्यूटर पे एग्जाम देना होगा। जी हाँ, आप सही सुने, कंप्यूटर पे एग्जाम देना होगा। और उसके लिए मैंने आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने की कोशिश किया हो किस तरह के सवाल आएंगे। लाइव हम आपको दिखाने वाले पहली बार किस तरह आपको कंप्यूटर एग्जाम सीटेट का देना होगा, किस तरह क्वेश्चन है, किस तरह आपको क्वेश्चन का उस आंसर को सेलेक्ट करना है, किस तरह नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, किस तरह फाइनल सबमिट करना है, ये सारी चीज हम आपको बताएंगे। ताकि आपको सीटेट का एग्जाम, उसमें आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से समझ चुके होंगे कहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा आंसर उसका, जो भी उसका आंसर हो, कैसे आंसर को सेलेक्ट करेंगे, कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ताकि आपको वहां पे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि सीटेट में बहुत कम समय दिए जाते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो उस क्वेश्चन को हल करने में समय निकल जाता है। अगर आप कंप्यूटर में ही उलझ जाएंगे क्वेश्चन आंसर में, यानी कि क्वेश्चन कहाँ पर लिखा है, इसका आंसर जो है वो आंसर को कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, कैसे आप सबमिट करेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए, यानी कि सीबीएसई बोर्ड ने सीटेट के एग्जाम के लिए आपको अभ्यास करने का भी मौका दिया कि आप घर बैठे अभ्यास के लिए किस तरह आपको कंप्यूटर एग्जाम होंगे, वो सारी चीज आप देख पाएंगे इस वीडियो में लाइव। इसी तरह के नॉलेजफुल जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए आपको आना होगा सीटेट की वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करेंगे, अब आप सीटेट की वेबसाइट पर डायरेक्ट आएंगे। तो आपको अभ्यास करना है कंप्यूटर पे किस तरह एग्जाम होगा, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जहां भी आपका सेंटर बनेगा, जहां भी आपका एग्जाम होगा, वहां पे आपको ये लॉगिन करके दे ऑटोमेटिक रखा रहेगा, यानी कि लॉगिन हो जाएगा। या अगर आप लॉगिन नहीं भी किया रहेगा, तो ऑटोमेटिक आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड वो फिलअप रहेगा। तो इसे आप यूजर आईडी पासवर्ड मेरे केस में फिलअप है, तो हम साइन इन पे क्लिक करते हैं। जैसे साइन इन पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे दिशा निर्देश इसे आप पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी हिंदी में यहाँ पे देख सकते हैं। कह रहा है ये अभी तक आप पर्स पर नहीं गए, आपने पर्स का उत्तर नहीं दिया है, क्योंकि ये दिशा निर्देश देगी, इसे आप रीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप क्वेश्चन जो कौन सी सब्जेक्ट भाषा में चाहिए, लैंग्वेज में क्वेश्चन कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, वो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में चाहिए उसको दिशा निर्देश टिक मार्क लगेंगे। आई एम रेडी टू विन लॉन्ग, आई एम रेडी टू विनिंग पे क्लिक करेंगे, ये आपका लॉग इन हो जाएगा क्वेश्चन आंसर पर। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन शुरू हो चुका है, जो कि देख पा रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये जो है ये लाइन क्वेश्चन नंबर वन है, और ये लाइन में जो लिखा है ये हमारा क्वेश्चन है, अलका स्टूडेंट ऑफ क्लास थ्री। तो इस तरह के स्टूडेंट, मतलब कि ये आपका जो है ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह आपको ऑनलाइन एग्जाम जो सीटेट का होगा, इसी तरह आपको सेम सेंटोफेस दिखने को मिलेगा, इसी तरह आपका आंसर होगा, क्वेश्चन होगा, और इसी तरह आपका आंसर होगा। तीन दिए गए हैं, जो भी इसके सही ऑप्शन उसे आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे। ये तो क्वेश्चन हो गया अंग्रेजी में। अगर इसी क्वेश्चन को आप हिंदी में देखना चाहते हैं या हिंदी क्वेश्चन चाहिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे लैंग्वेज टू हिंदी, हिंदी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको हिंदी में भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर आप हिंदी में क्वेश्चन लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, इंग्लिश में लेना चाहे वो ले सकते हैं। अब हिंदी में जो अंग्रेजी में जो क्वेश्चन है वो कुछ और अलग है, हिंदी में जो कुछ है वो अलग है, क्योंकि दोनों अलग अलग दिए गए, यानी कि आपको सभी क्वेश्चन सेम ही है, मतलब आगे पीछे करके है, ठीक है। ये हिंदी अंग्रेजी सभी क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन आगे पीछे करके। अंग्रेजी में अगर आप इसका आंसर देते तो पहला क्वेश्चन ये मिलता है, फिर तो हिंदी में आंसर देते तो पहला क्वेश्चन आपको ये मिलता है। सभी का आपको जो अलग अलग क्वेश्चन नहीं, बल्कि आंसर क्वेश्चन आपको सेम रहेगा, क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, बट नंबरिंग फेर रहेगा, यानी जो एक नंबर वो 10 नंबर, जो 10 नंबर वो आपको 5 नंबर, इसी तरह का जो भी इसका आंसर वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन तो क्या अभी यहाँ पे आंसर दिए गए, लेकिन यहाँ ऑप्शन 4 है, लेकिन कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ऑप्शन क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम पहले टिक मार के लगाएंगे, हमें कौन सी भाषा में एग्जाम देना है, अंग्रेजी में देना है हिंदी में। हिंदी में अगर देना है तो हिंदी के सामने ये जो टिक मार्का है इसको टिक मार्का लगाएंगे, तब ये आपका ऑप्शन जो है सेलेक्ट होने लगेगा। सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे आपको कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम देना है, ठीक है। तो जब तक आप ये सेलेक्ट नहीं करते हैं, तब तक आपका ये मतलब आंसर वाला जो ये सेलेक्ट नहीं होगा, जो भी क्वेश्चन है उसकी जो भी आंसर है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे नंबरिंग है। तो यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करना है, 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2, चिराग का तना होता है।
चिराग का तना होता है, यहाँ पे ऑप्शन है और उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया। इसको आप रीड करेंगे, रीड करने के बाद इसमें से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी जो आंसर है वो आप यहाँ पे डालेंगे और इसको आप रीड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक कहानी दिया गया है, मतलब एक कहानी, इसको आप पढ़ेंगे। इसी कहानी में से क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, चिराग का तना होता है, ये होता है या नहीं होता है, होता है तो कौन सा होता है, वो आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसकी आंसर आपको इसी में मिलेगी। इसको आप रीड करेंगे सही से, तो जो भी इसके आंसर है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, दो क्वेश्चन मैंने दे चुका, ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन की भी यहाँ पे दिए गए, जो भी है इसको आप पढ़ेंगे, ये चिराग के बारे में ही है। तो इसका भी जो भी आंसर है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। इसी तरह जो भी आपको आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे कि वो यहाँ कितने का आपने आंसर दे दिए, कौन सा ये आंसर है, क्वेश्चन नंबर भी यहाँ पे इसे भी आप पढ़ेंगे, जो भी इसका आंसर है 7 नेक्स्ट, इसी तरह चिराग, जो भी इसके सही आंसर है उसको सेलेक्ट करेंगे। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का आपका सीटेट का एग्जाम कंप्यूटराइज एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और कितने के आपने एग्जाम दिया, कितने नॉट आंसर, कितने बिना आंसर दिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं, जो भी इसके ये है यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन का भी जवाब आंसर देंगे, उसके बाद हम सबमिट करेंगे, फिर रिजल्ट भी हम देखेंगे। ये 10 क्वेश्चन के मैंने आंसर दिए, उसके बाद अगर हम और क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए दे सकते हैं। जब आप सभी क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा तब आपको क्या करना, सबमिट बटन यहाँ पे मिलेगा, सबमिट बटन भी क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन भी क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका रिजल्ट भी आपको दे देगा, ठीक है। रिजल्ट देखिए, मेरे में हिंदी है जैसे कि 30 मार्क का था क्वेश्चन में, अभी एग्जाम जो था वो 30 मार्क का था, जिसे मैंने 10 ही क्वेश्चन दिए थे आंसर, 10 ही आंसर दिए थे इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज में कितने क्वेश्चन थे, कितने आपने आंसर दिए, कितने आंसर नहीं दिए, कितने मार्क रिव्यू में गए हैं और टोटल यहाँ पे देखेंगे। और साथ साथ सीडीपी में भी कितने क्वेश्चन थे, कितने आपने आंसर दिए, कितने नहीं दिए, मैथ में कितने आंसर थे, कितने आंसर दिए, कितने नहीं दिए, इसी तरह आपको सब्जेक्ट वाइज रहेगा। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो F1 से F12 तक, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो S1 से S9 तक की क्वेश्चन रहेगी। वो क्वेश्चन के जवाब देने के बाद आपको रिजल्ट भी बता देगा कितने क्वेश्चन के आपने आंसर दिए, कितने के नहीं दिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे यस करेंगे, ओके करेंगे, हमारा एग्जाम फाइनल हो चुका है जो कि आप देख पा रहे हैं। अब एग्जिट एग्जाम भी करेंगे, एग्जाम से बाहर निकल देंगे, जब हमारा फाइनल एग्जाम होगा एग्जाम से हम बाहर निकल चुके। इसी तरह आप एग्जाम अपने सेंटर पे दे सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे किस तरह का आपका एग्जाम होने वाला सीटेट का कंप्यूटराइज, कहाँ पे क्या क्लिक करना है, कैसे ऑप्शन है, कैसे नेक्स्ट पे जाना है। ऐसा ना हो कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के बजाय सबमिट कर दे, यानी कि एक ही क्वेश्चन देने के बाद सबमिट हो जाए, ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बना के दिया हूँ जिसमें आप समझ सके कि लाइव किस तरह आपका एग्जाम होने वाला है। और सीटेट का ये बहुत बड़ा कदम है कि ये ऑप्शन निकाला गया है। तो इसमें ये वीडियो देखने के बाद आपको जो भी कंफ्यूजन था, जो डॉट था, वो क्लियर हो गया। तो आपको सेंटर पे जाना है, सेंटर पे कंप्यूटर लगा रहेगा, वो लॉगिन क्या रहेगा, अगर लॉगिन क्या नहीं रहेगा तो यूजर आईडी पासवर्ड ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा, आपको साइन इन पे क्लिक करना है, दिशा निर्देश आपके सामने आ जाएगी, दिशा निर्देश को नेक्स्ट करना है, उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और रीड कर, उसके बाद आई एम रेडी पे क्लिक करना है, आपका क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। तो ये बड़ी आसानी से हो सकता है आपका क्वेश्चन खुला ही, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हो, इस तरह खुला ही मिले, खुलाई मिले। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, सबसे पहले लैंग्वेज यहाँ पे देखिएगा, याद रखिएगा लैंग्वेज देखिएगा, आपका जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं, जो भी लैंग्वेज एग्जाम देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिएगा। और आंसर देने के लिए आपको यहाँ पे टिक मार्क लगाना होगा, ठीक है, एक बार सोच समझ के टिक मार्क लगाएगा, बाद लगा देते हैं तो फिर बाद में ये दिक्कत होगा, क्योंकि जैसे कि अगर लगा दिए अगर हम इसे हटाएंगे। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ मैं, पेपर वन से 5 तक क्लास के लिए, पेपर टू 6 to 8 के लिए, यहाँ पे पेपर है इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पेपर वन के लिए एग्जाम आप देना चाहते हैं, पेपर दो के लिए ये भी सेलेक्ट करना अनिवार्य है, या दोनों के लिए देना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे तीसरा ऑप्शन को, यानी कि कौन सा पेपर आपका है, ठीक है। तो पहले आपको पेपर वन देना है, फिर पेपर टू देना है, इस तरह का पहले आपको वन सेलेक्ट करके एग्जाम देना है, फिर पेपर टू सेलेक्ट करके एग्जाम आपको देना होगा। सभी के दोनों का टाइम अलग अलग होगा, यानी एक ही दिन दोनों का टाइम अलग अलग होगा। और यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट, पेपर वन पेपर टू, यहाँ पे देखिए पेपर वन में है जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो देखिए, यहाँ पे सीडीपी है, चाइल्ड डिप्लोमेंट, और इसके जो भी क्वेश्चन है वो आप देखेंगे,
और मैथ के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी और अदर जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। यानी कि सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चन देना, पहले आपको इस सब्जेक्ट का सभी क्वेश्चन देना है, फिर नेक्स्ट पे देना है, फिर इसी सब मैथ का सभी क्वेश्चन का आंसर देना है, फिर आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाना है। इस तरह वो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन वन का ही देना है, क्वेश्चन टू भी है तो क्वेश्चन टू का भी देना है। आपको शो करेगा जो भी आप फिलअप किए थे सीटेट एग्जाम में, वही सो अगर आपने दोनों शो फिलअप किया था दोनों शो करेंगे। अब जैसे पेपर वन सेलेक्ट किया था पेपर वन का ही क्वेश्चन शो करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को भी आप ध्यान में रखिए ये बात, ये सारे। और यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है, इतने टाइम के अंदर आपको सभी क्वेश्चन को आंसर दे देना है। ये टाइम पे ध्यान दीजिएगा, जितने भी टाइम है तो इतना सेकंड के अंदर आपको सभी क्वेश्चन का आंसर देके सबमिट पे क्लिक कर देना है, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बात को याद रखिएगा, जो भी इसके आंसर वगैरह हो तो मैं तो सिर्फ आपको बताने के लिए, जो भी हो जैसे कि मैं देख सीडीपी का दे रहा हूँ, जो भी है मैं तो कुछ से कुछ अभी सेलेक्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी क्वेश्चन मतलब सबमिट नहीं ले रहा है, जब तक आप सभी क्वेश्चन के आंसर नहीं देंगे तब तक आप सबमिट नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट का मैं दे रहा हूँ एग्जाम, और सब अभी मैं कुछ से कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये बात याद रखिए। मैं कई बार बोल चुका हूँ मैं आंसर नहीं दे रहा, मैं कुछ से कुछ सबमिट कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। मैं ये सब्जेक्ट कर रहा हूँ जितनी इसमें 30 सब क्वेश्चन है, तो सभी हमें देना होगा एग्जाम। जी सीडीपी सब्जेक्ट का ये अंतिम अक्षर है, हर सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन आएंगे, ये 30 क्वेश्चन अंतिम ही, जो कि देख पा रहे मैंने सभी क्वेश्चन का आंसर दिया, और मैंने यहाँ पे कुछ से कुछ जो भी आंसर हुआ सेलेक्ट करते गया मैसेज आपको सेलेक्ट बताने के लिए। उसके बाद सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे अब मैंने इस क्वेश्चन का जवाब दिया था ऑटोमेटिक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए मैथ के सब्जेक्ट पे। ये देख लीजिए जब तक आप इस क्वेश्चन का पहले सब्जेक्ट का आंसर नहीं देंगे तब तक आप दूसरे ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, और अब ये दूसरे का जो आंसर तब तक आप नहीं देंगे। इसी तरह के सभी क्वेश्चन के आंसर देना है सेवन नेक्स्ट करें, जब आप सभी क्वेश्चन के आंसर दे देंगे तब ये सबमिट वाले बटन आपको शो करेंगे। जब तक आप सभी क्वेश्चन के आंसर नहीं फिलअप करते हैं तब तक आपको ये जो है सबमिट का ऑप्शन नहीं दिखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये ग्राफ में इसमें कि मैंने क्वेश्चन वन का आंसर दे दिया, टू का भी दे दिया, थ्री का भी, तो फोर का नहीं दिया, क्योंकि देख रहे हैं क्योंकि अगर फोर का मैं नहीं दिया तो देखिए आधार कार्ड लगा में ये कन्वर्ट हो चुका है, अब नॉट आंसर यहाँ पे दिखा भी रहा है। अब हम फोर का आंसर देंगे तो इस फोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर क्वेश्चन छूट गया होगा आंसर तो आप बैक पे उसके नंबर पे क्लिक करके उस क्वेश्चन में जाता। अब हम नेक्स्ट करेंगे, देखिए वो भी क्वेश्चन मेरा फिलअप है, जैसे कि पाँच नंबर क्वेश्चन मेरा छूट गया था।